बंधुगण नमस्कार, आपण को यही कथि जाणी आश्चर्य लगे। व्यक्ति तार जीवन रे जदि ब्रह्मचर्य पालन करे तहार समस्त इच्छा सहजरे पूर्ण होइथाय। आउ यही कथि मु कहूना जहाँ आंभर पुरातन वेद ग्रंथ और मुनि ऋषि द्वारा यह कह भावुवे जड़े व्यक्तिर जीवन रे कौन इच्छा बा कामना रही थाए। देखु प्रथम इच्छाटी है जड़े व्यक्ति सबुबले चाहे ताकू सम्मान मिलू, लोके कथा मानतु, ताकू प्रतिष्ठा मिलू, लोके अभिवादन करतु, आउ सबुठारु अधिक मान और सम्मान मिलू। देखु द्वितीय इच्छाटी कौन, प्रत्येक व्यक्ति चाहती जीवन रे कौनसी दुख न आसु, से सर्वदा खुशी आ आनंद रे जीवन बितांतु, दुनिया रे समस्त प्रकार सुख तांको निकट रे उपलब्ध हेउ, आउ विलास अभ्यासन रे तांको जीवन अतिवाहित हेउ। ताहले आपण कहंतु एही इच्छाटी आपणक मन रे आसुची कि नाही। तृतीय इच्छाटी हेउची प्रत्येक व्यक्ति चाहती तांकु कौनसी रोग न हेउ, तांकर शरीर सर्वदा रोगमुक्त बा निरोग रहु, तांकु दरकार एक सुस्थ और सुंदर शरीर। आ चतुर्थ इच्छाटी है मोर केवे जीवन रे मृत्यु न हेउ, मु एमिति सर्वदा आ सबुबले बंची थाए, मु एक दीर्घायु जीवन चाहुछि, मृत्युर भय काहाकु बा न थाए। तेणु जणे व्यक्ति तार जीवन रे सबुबले मृत्यु को ही डरी थाए, आउ से एक लंबा जीवन बीतवाई सर्वदा चेष्टा जारी रखी थाए। मनुष्यर यह सब इच्छा गुड़ी जेतेबेले पूर्ण करिवार कथा आसुची सेतेबेले व्यक्ति को गोटे सुंदर मार्गर अभ्यास करिवा दरकार, जहार नाम हेउची ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन द्वारा आपण को समस्त प्रकार सुख शांति समृद्धि सम्मान निरोग असुस्थ शरीर मृत्यु को सामना करिवार साहस मिल पार। जीवन रे समस्त प्रकार सुख और आनंदर मूलबिंदु हेउची ब्रह्मचर्य। आपण मध्य जीवन रे ब्रह्मचर्य पालन करिपारिबे, एहा कौनसी कठिन कार्य नुह। ब्रह्मचर्य विषय रे अधिक जानिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।